बद्री शर्मा, हम उज्जैन शहर का रहने वाला महाकाल मंदिर। मेरे को कान से बहुत कम सुनाई देता था और उन सिटी की आवाज़ आती थी, यही कोई 30-35 साल से। कम से कम आप सुनो 7-8 डॉक्टर बता दें तो इसके बचपन से एक कान तो इसका बंद है, टोटल बंद है, क्लोज है, पर एक कान से जो चालू है कान उससे उसको आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो किसी ने भी, एक ने भी मेरे को इतने डॉक्टर बताए लेकिन किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को तो सबसे पहले तो मैंने YouTube पे देखा था, तो मेरे एक तो मेरे मंदिर का एक व्यक्ति है, अच्छा। उसने मेरे को बताया था कि मेरे अहमदाबाद में डॉक्टर साहब हैं, अच्छा। जो बिना ऑपरेशन बिना बिना मशीन के इलाज करते थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब का नाम क्या है, उन्होंने मेरे को नाम बताया। तो फिर उसने फिर मैंने मोबाइल नंबर ली, तो मैंने मोबाइल से कॉन्टेक्ट किया था, तो मेरे को उनसे मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आपको अगर मैंने उनसे ये भी पूछा मैंने ये मेरे गारंटेड हो जाएगा क्या सही, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ना आप एक बार आके देखो या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करके देखो, आपको रिटर्न वही मिल जाए। जब मैंने यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देखा तो मुझे लगा ऐसा नहीं यार बहुत कुछ हो सकता है, अगर एक बार चलो। मैंने पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जीवन में पैसा बहुत कुछ कमा लेंगे, शरीर है व्यक्ति है तो सब कुछ कर सकते। अब मेरे को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है अभी मेरे को डॉक्टर साहब ने मेरे को कुछ दूरी पर खड़ा करा था, 15 फीट की दूरी पर कम से कम मुझे खड़ा करके मुझसे पूछा गया सवाल, मैंने उनकी हर बात का जवाब दिया बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया लगा था, मैंने इतने डॉक्टरों को बताया, मुझे किससे से फर्क नहीं पड़ा, जितना फर्क है डॉक्टर सुराना साहब के लिए हॉस्पिटल में आया मैं, मुझे हद से ज़्यादा फर्क पड़ा। मैं तो ये कहता हूँ भगवान से, भगवान महाकालेश्वर, उज्जैन महाकाल की नगरी से आया हूँ मैं, भगवान महाकालेश्वर इनकी दिन रात चौकनी तरक्की भरे और मेरे शरीर के कई पेशेंट अच्छे हो। सर मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा डॉक्टर सुराना साहब से, बस इसी तरह सभी का आशीर्वाद बना रहे और सबका इलाज होता है और सब अच्छी खुशी यहाँ से जाए।